Good morning, students. Now next topic is tropical rainforest. Tropical rainforest कौन से हैं? वो forest बेटा जो near equator, equator line के साथ साथ हों, तो वो होंगे tropical rainforest. इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं इस रीजन में. ऐसे फॉरेस्ट है कहाँ? इंडिया, मलेशिया, और बेटा इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इन कंट्रीज में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. अमेज़न जंगल जो आप जानते हैं इसके बारे में, अमेज़न जंगल में है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है, जिसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं. दिस फॉरेस्ट कवर्स द देयर इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रिवर, सेंट्रल अफ्रीका और द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट. तो इन रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या खास बात है बेटा? हाई रेनफॉल है, बारिश ज्यादा है इनके पास. इनके पास पुअर सॉइल डेवलपमेंट रहता है क्योंकि लीचिंग रहती है इनमें. पानी आने के कारण जो न्यूट्रिएंट्स है वो मूव कर जाते हैं. रेन फॉरेस्ट जो है 2/3 ऑफ द ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ का रेजिडेंस है. इनमें मतलब जितनी टोटल स्पीसीज हैं उनका 2/3 इन जंगलों के अंदर मिलता है बच्चे. इसके बाद है टेम्परेचर इन फॉरेस्ट के अंदर, जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है वो रहती है बेटा 22-25 डिग्री सेल्सियस. और इनमें विंटर और समर, वहां पे जो सीजन्स चेंज होंगे तो टेम्परेचर जो चेंज होगा वो सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस ही चेंज होगा. सो बहुत कोई मेजर चेंजेस नहीं आते, स्टेबल रहते हैं. प्रेसिपिटेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आप कह सकते हो कि बारिश जो है बराबर आती है सारे सब. प्रेसिपिटेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इस जंगल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं उनको एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट मिलता है, एक जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, ना गर्मी ज्यादा ना विंटर सीजन ज्यादा. तो इसलिए उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है. अब जो हमने यहां देखना है, ये तो क्या इंट्रोडक्शन की कैसे होते हैं रेन फॉरेस्ट. अब बेटा कि यहां पे मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स को कैसी अडेप्टेशन है, उनके पास ऐसे कौन से करेक्टर्स हैं जिससे वो यहां सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे हमने पोलर रीजन में पढ़े थे, पोलर रीजन में मैंने बताया आपको उनकी बॉडी के ऊपर फैट ज्यादा है, उनके हेयर ज्यादा है, उससे वो ठंड से बचते हैं. तो इनके पास ऐसा क्या है जो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं? अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस है? फर्स्ट बेटा यहां पे पहला एनिमल जो दिखाया वो है रेड आइड फ्रॉग. आपकी बुक में रेड आइड फ्रॉग का पहला एग्जाम्पल है, उसकी पिक्चर भी है बुक में. इन फ्रॉग्स के पास एक ऐसा अडेप्टेशन है जिससे बेटर सुटेड है क्लाइंबिंग के लिए, मतलब इजिली ऊपर चढ़ सकते हैं, बेटर सुटेड फॉर क्लाइंबिंग. तो इनके पास ऐसा क्या फीचर है? इनके पास जो फीचर है, इनके सक्कर पैड्स हैं. सक्कर पैड्स का मतलब कि इनके जो पैर हैं वो जब किसी सरफेस पे रखते हैं ये, तो उसके साथ ये स्टिक कर जाते, चिपक जाते, तो इसलिए इजिली क्लाइम कर सकते हैं. तो इमेज में आप देख सकते हो कि इनके पैरों के नीचे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे, ऐसे. तो इनको कहते हैं सक्कर पैड. So these pads allow the frog to stick to various object. Sucker pads allow them to stick to various objects. So in pads के कारण
ये किसी भी सरफेस के ऊपर इजीली स्टे कर सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं। सेकेंड है बेटा मंकीज, यहां पे मिलने वाले मंकीज का भी एग्जांपल है। इन मंकीज के पास ऐसा क्या है कि जो यहां पे सुटेड है, अडेप्टेड है, तो इनकी लंबी टेल होती है, लॉन्ग टेल। तो इस टेल से क्या फायदा होता है, ये इजिली ग्रेस्प कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं बॉडी को। लॉन्ग आर्म्स लेग्स हेल्प देम टू स्विम फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। लॉन्ग लिम्ब हेल्प देम टू स्विम फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। ये फायदा रहता है। फिर इनकी जो फिंगर्स हैं, जो टॉय, दे एक्ट लाइक हुक। तो इजिली ग्रैस्प कर सकते हैं ना बेटा, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाना आसान है, ये इनकी पकड़ मजबूत होती है किसी भी ब्रांच पे। इसके बाद है नेक्स्ट बेटा लॉयन टेल मकक। इसकी इमेज भी आपकी बुक में दिखाई हुई है। इनके पास क्या फीचर्स हैं, ये भी मंकीज हैं बेटा, ये मीडियम साइज्ड हैं, वे शाइनी ब्लैक फर हैं, दे आर मीडियम साइज मंकीज विद शाइनी फर। इसका नाम जो ये पड़ा है लॉयन टेल मकक, ये कैसे आया बेटा, इसका नेम आता है इसकी लॉन्ग टेल से, नेम फ्रॉम लॉन्ग टेल। इसकी जो टेल है वो लॉयन के जैसी है, टेल लाइक लॉयन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉयन टेल मकैक मंकी। ये वो मंकीज है बेटा जो 17 टाइप्स के डिफरेंट वोकल पैटर्न यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये भी इनके पास एक यूनिक फीचर हो गया बच्चे। अब इनके पास एक फीचर हो रहा है, इनके मुंह के अंदर स्पेस है बेटा जिससे ये पाउच बना सकते हैं, मुंह के अंदर एक साथ काफी सारा फूड भर सकते हैं। उससे फायदा क्या हुआ, अब जैसे ये किसी ट्री से नीचे आते हैं और वहां से फूड कलेक्ट करना है, तो मुंह में स्पेस ज्यादा होने से क्या होगा, ये जल्दी जल्दी अपने मुंह के अंदर काफी सारा फूड रख के वापिस ट्री पे जा सकते हैं। तो सेफ हो गए ना बच्चे, प्रीडेटर से सेफ हो जाएंगे। तो इनके मुंह के अंदर इतना फूड आ सकता है जितना इनके स्टमक की कैपेसिटी है, तो मतलब पेट भर जाएगा एक बार में जितना फूड इन्होंने मुंह के अंदर रखा है, तो इससे इनको फायदा रहता है। इसके बाद उठा आगे एक बर्ड का एग्जांपल टोकोटा। तो इसकी जो लॉन्ग बीक है कितनी बड़ी है बेटा, अबाउट 20 सेंटीमीटर। इतनी लंबी चोंच से फायदा क्या है, तो इससे फायदा ये है पिकिंग द फ्रूट्स, ये आसानी से फ्रूट्स को पिक कर सकता है बच्चे, लंबी चोंच होने का बेनिफिट हो गया इसको। देन बेटा नेक्स्ट बिग कैट्स, बिग कैट्स इन दीज फॉरेस्ट। अब बिग कैट्स कौन है,
बिग कैट्स हम किनको बोलते हैं, लायन को, टाइगर को, लेपर्ड को क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैट्स जो होती हैं वो इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जिस फैमिली से लायन, टाइगर और लेपर्ड आते हैं। तो ये कौन है आप जानते हैं? ये तो प्रीडेटर्स हैं, शिकारी हैं। दैट रूल द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन जंगल में इनका राज है बेटा। इनकी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, इन बिग कैट्स की फ्लेक्सिबल बॉडी है। उस ये अडेप्टेशन, ये इनको फायदा है। इस अडेप्टेशन से क्या फायदा होता है बेटा इनको? रनिंग में, जंपिंग में, क्लाइंबिंग में। और इनकी इंटेस्टाइन जो होती है, बड़ी जरूरी बात है बेटा, स्मॉल इनकी इंटेस्टाइन का साइज जो है वो हमारी इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में छोटा है। हमारी इंटेस्टाइन तो काफी बड़ी होती है, तो इनकी इंटेस्टाइन शॉर्ट होने से क्या है, क्यों है शॉर्ट? हमारी लॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो हम फूड खाते हैं, कौन सा फूड खाते हैं? प्लांट से लेकर के खाते हैं ना, ये क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। तो इनकी शॉर्ट इंटेस्टाइन से फायदा ये है कि इनका मीट जल्दी डाइजेस्ट होता है। फिर इनके बाद ये है कि इनके शार्प टीथ हैं, ये भी एक अडेप्टेशन है। इससे क्या होगा फायदा बेटा? तो इनको फ्लैश खाने में फायदा रहेगा। अच्छा, ज्यादातर जो बिग कैट्स हैं दे हंट एट नाइट, ये भी इनके पास अडेप्टेशन है। क्या अडेप्टेशन है? ये सिक्स टाइम्स बेटर देख सकते हैं हमारे कंपैरिजन में अंधेरे में, तो ये भी इनकी अडेप्टेशन होगी। देन है बेटा नेक्स्ट एलिफेंट। अब एलिफेंट्स के पास भी फीचर्स हैं, करेक्टर्स हैं, अडेप्टेशंस हैं। एलिफेंट्स के पास ऐसा क्या है? एलिफेंट्स के पास भी ऐसे करेक्टर्स हैं जिससे ये इन फॉरेस्ट में बेटर अडेप्टेड है वहां रहने के लिए। इनके पास कैरेक्टर्स हैं, इनके पास लॉन्ग ट्रंक है जिसमें करीबन करीबन बेटा 1,50,000 मसल्स हैं इनकी ट्रंक के पास। देन बेटा इनकी जो ट्रंक है वो इनको हेल्प करती है कि ये किसी भी ब्रांच को, जो शर्ब्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, उनको इजीली खा सकते हैं, माउथ तक ला सकते हैं। इनकी जो ट्रंक है बिल्कुल हाथ की तरह काम करती है, ट्रंक एक्ट लाइक द आर्म। किस तरह आम की तरह कैसे हेल्प करती है? कि किसी भी ब्रांच को तोड़नी है तो ये अपने ट्रंक को यूज करते हैं। फिर ये पानी के नीचे जब चलते हैं तो इसको बाहर रखते हैं जिससे इनको सांस आती रहती है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इनका चलता रहेगा। इससे पानी सक कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं बेटा। और एलिफेंट्स इसको यूज करते हैं ऑडर डिटेक्ट करने के लिए, स्मेल डिटेक्ट करने के लिए, तो इसका फायदा है। तो ये हमने सारे अडेप्टेशंस देख लिए बेटा, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपने इसके कीवर्ड्स नोट करने हैं और एक्सरसाइज ट्राई करनी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके एक्सरसाइज के आंसर दूंगा, क्वेश्चंस हम करेंगे। तो यहाँ तक अंडरलाइन करना आपने। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर हमने पहले ही कर लिया था, ये वाला चैप्टर 16, वाटर तो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था ना। फिर अब हमारा रह गया बेटा चैप्टर नंबर 14, छोटा सा ये बच्चे, तो 15 फॉरेस्ट। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक करंट, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, ठीक है? यहां तक अंडरलाइन करना बच्चे और कीवर्ड्स लिखने, एक्सरसाइज इसकी आपको मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।